ये देखो क्या मतलब कितनी बड़ी है ये कैसे चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो भाई यहाँ पे इसके पास कलेक्शन तो फिलहाल है नहीं, तो ये फोन में दिखाई गया या बोल रही है कि आपके होटल पे भेज देती हूँ। यही हाल हो गया यार इस मार्केट का ना, ये देखो सारी शॉप्स बंद हैं, किसी एक आदमी ने खोल रखी होगी वो भी डरे बैठे हैं कि कोई आएगा नीचे से। इसने अंदर बुलाया और शटर डाउन कर दिया क्योंकि इसे डर लग रहा है। तो अभी ना अंदर ये इसने हिडन रैक्स बनवा रखे हैं। तो ये वाला बैग मंगवाया मैंने इससे टॉमी का, तो ये वाली मंगाई थी मैंने वॉच, ये इसका बिल है वॉच का 12,800 RMB, मतलब ये हो गए 1,30,000 के आसपास जो कि मुझे पड़ी है 3,000 रुपये की। और एक ये मंगाए थे मैंने अपने शूज़ न्यू बैलेंस के। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो, और आज हम जाएंगे शॉपिंग के लिए। आज करेंगे शॉपिंग, चाय ना आओ और शॉपिंग ना करो ऐसा हो ही नहीं सकता। चाय ना आके शॉपिंग तो मस्ट है भाई, करनी चाहिए। जो भी आज मुझे लेना है, एक तो बैग लेना है अपने लिए क्योंकि मेरे बैग की चेन ख़राब हो गई आज, तो बहुत टाइम से यूज़ कर रहा था इसे मैंने, चलो भाई जब तक ये ख़राब नहीं होना था चेंज भी नहीं होना था। अभी इसकी चेन ख़राब हुई है तो अब आज चेंज करेंगे बैग, एक बैग लेंगे, शूज़ लेंगे, वॉचेस लेंगे, तो आज खूब सारी शॉपिंग करेंगे। तो अभी चलते हैं शॉपिंग के लिए। ये मैनीक्यून की शॉप है और यहाँ पे देखो हर तरह की मैनीक्यून मिल जाएंगे आपको, लविया जिन्हें बोलते हैं। यार ये बहुत सुंदर लगते हैं मुझे। हेलो, हाउ मच दिस वन? अच्छा अच्छा को मतलब ये हो गया 1,000 रुपये के आसपास। बहुत बढ़िया है यार, मतलब मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, रखे हुए बहुत सुंदर लगते हैं। तो मैं इसका वेट पूछ रहा था इससे, तो मुझे लग रहा था ले जाने में दिक्कत होगी, बट ये तो बहुत हल्का है, बहुत ही हल्का है, देखने में भारी लग रहा है बट वैसे बहुत हल्का था। ये देखो क्या मतलब कितनी बड़ी है ये कैसे चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। हाथ तो मैं इसके अंदर डाल नहीं रहा भाई, कहीं गिर जाए। बट ये देखो शूज यहाँ हवा में ही घूम रहा है भाई, ये क्या टेक्नोलॉजी है यार। ये डिस्प्ले के लिए, अगर शूज डिस्प्ले करना हो आपको, ये देखो स्टैचू कितना बढ़िया है। ये सब ये ऐसी शॉप है डमी वगैरह की ना, यहाँ पे अगर आपका जिसका गारमेंट्स का काम है उनके लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बड़ी अच्छी अच्छी डमीज हैं। हर साइज की डमी है, जो आपको पसंद हो वो ले जाओ। अब ये आपकी चॉइस है, आपको कौन सी ज्यादा पसंद है। ये है बायमा मॉल, और ये बायमा मॉल जो है ये फेमस है गर्ल्स कलेक्शन के लिए, मतलब गर्ल्स क्लोथिंग के लिए सबसे बढ़िया। अगर आपको गर्ल्स का कलेक्शन चाहिए तो इसमें मिलेगा, बायमा मॉल में बेस्ट कलेक्शन होता है गर्ल्स का यहाँ पे। चाइना के अंदर ना सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये जैसे अपना ये कॉन्क्रीट का जंगल नहीं है एक तरीके से, यहाँ पर जितना डेवलपमेंट है ना उस हिसाब से ग्रीनरी का भी उतना ही ध्यान रखा जाता है। देखो फ्लाईओवर पे भी हर तरफ इन्होंने प्लांट्स लगा रखे हैं, कहीं पेड़ लगा रखे हैं, वो देखो सामने कितने अच्छे फूल आ रहे हैं उस पर, फ्लाईओवर के ऊपर लगा रखे हैं। तो चाइना की ना मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि जैसे इन बिल्डिंग्स बन रही हैं, मॉल बन रहे हैं, उसके साथ साथ ये लोग ये अपना ग्रीनरी का भी पूरा ध्यान रखते हैं। और मुझे याद है एक टाइम मैंने एक बहुत पहले फ़ोटो देखी थी जिसके अंदर पूरा स्मोक था चाइना के अंदर की, और आज देखो इनका एयर इंडेक्स 22-25 ऐसे दिखाता है। और यह है गोंदाओ बस स्टेशन, ये यही मेन बस स्टेशन है, यहीं से सारी बसें मिलती हैं, अंडरग्राउंड है, और यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कहाँ से आप कहाँ कोई किसी भी सिटी की बस ले सकते हो। गोंदाओ में रेलवे स्टेशन तो चार हैं, एक अपना गोंदाओ ईस्ट, गोंदाओ साउथ, गोंदाओ वेस्ट, गोंदाओ नॉर्थ, बस स्टैंड एक ही है, ये मेन जो अभी दिखाया था मैंने आपको, तो ये मेन बस स्टैंड है, यहीं से आपको हर जगह की बस मिल जाती है। और इसी मतलब ये जो बस स्टैंड है इसके पास में ही है किम्बो किंडो मार्केट, तो अब चलेंगे अपना किम्बो किंडो मार्केट, वहाँ पे करेंगे शॉपिंग, वॉचेस,
और अपना बैग और रेप्लिकास के लिए वो फेमस है, वहीं चलेंगे। यहाँ पे तो मैं जब भी आता हूँ हमेशा ज़रूर जाता हूँ हर बार। तो आज फिर चलते हैं शॉपिंग करते हैं, क्योंकि मे बी शायद आज लास्ट डे हो चाइना में, या कल हो या परसों हो, जैसे भी काम के ऊपर काम जैसे होगा उस हिसाब से निकल जाएंगे फिर हांगकॉन्ग के लिए। तो इसलिए मैंने पहले शॉपिंग कर लेता हूँ, एंड लास्ट डे में ना भाग भाग के काम करना बेकार है, इससे बढ़िया पहले ही कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है ना। मैं लास्ट के दिन ही मतलब शॉपिंग करा करता सारी जो भी है अपना, जो भी कुछ लेना हो, कपड़े बैग वगैरह जो भी। बट उसके बाद ना फिर लास्ट के दिन पैकिंग में बड़ी दिक्कत होती है, एक दो दिन पहले। अब मैं क्या करता हूँ, एक दो दिन पहले कर लेता हूँ, जिससे मुझे पैकिंग में दिक्कत नहीं होती, अपना आराम से होटल में पैक कर लो, उसके बाद लास्ट के दिन भागा दौड़ी नहीं होती। तो ये है वॉच मार्केट। वैसे तो मेरी ज़्यादातर कई वीडियो में होगा है वॉच मार्केट का, और जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि ये है वॉच मार्केट। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है पूरी, और इसके बाद ये भी इधर भी है, राइट में भी पूरी वॉच मार्केट है, उधर लेफ्ट में भी वॉच मार्केट है, उसके आगे फिर कपड़ों का है जो क्लोथ की मार्केट है, टिम्बो किंडो। मेन वॉच मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, और इसे बोलते हैं चांसी लू मार्केट, इसका नाम है चांसी लू बोलते हैं, वॉच मार्केट बोलते हैं कुछ लोग। अगर टैक्सी वाले को समझाना हो, कभी समझ ना आए, तो आप उसे वॉच का इशारा करके ऐसे भी दिखा सकते हो। एक मेरी वॉच वाली शॉप है जिससे मैं हमेशा वॉच लेता हूँ, तो उसके यहाँ चलते हैं। उसके यहाँ सबसे अच्छा कलेक्शन होता है और रेट भी उसके सही होते हैं। तो भैया यहाँ पे जो है कॉपी की रेट चल रही है बहुत टाइम से, लगातार बहुत टाइटनेस है, तो उस करके इसके पास अभी इतने यहाँ पे शॉप में अपनी कलेक्शन तो रखा बनी है, बट अब देखते हैं ये फ़ोन में दिखाती है या क्या करती है, तो फिर देखते हैं कैसे होता है। अब ये तो इस बार मुझे पता है दिक्कत आने वाली है, क्योंकि पता नहीं कॉपी की ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे इशू है, उस करके अभी देखते हैं अभी क्या बता रही है, वी चैट में लिख के दे रही है कुछ, उसे देखते हैं। ओहो, ये बोल रही है आपके होटल में सेंड कर देंगे। यू हैव पिक्चर? ओके, शो मी द पिक्चर। नो, ऑन योर वी चैट, नो प्रॉब्लम। आई हैव वी चैट। तो भाई यहाँ पे इसके पास कलेक्शन तो फिलहाल है नहीं, तो ये फोन में दिखाई गई है या बोल रही है कि आपके होटल पे भेज देती हूँ, तो इसके पास अभी अवेलेबल तो है नहीं है, बोल रही है कि आपके या तो होटल पे भेज देती हूँ मैं पूरा बॉक्स कलेक्शन का, या फिर आपको मैं वीचैट में फ़ोन में दिखा सकती हूँ। तो अभी मैं ट्राई करता हूँ फ़ोन में ही देखने की वीचैट में, तो वरना होटल में तो यार बहुत टाइम लग जाता है, एक चीज़ कहाँ तक देखेंगे, कितनी फिर ये किस टाइम बुलाएगी, किस टाइम आएगी, ऐसे ही रहेगा। तो इससे बढ़िया ये है कि फ़ोन में ही देख लेते हैं। तो ये मुझे वीचैट पे सेंड कर रही है, बोल रही है वीचैट पे देख लो जो भी फोटोज आपको देखनी है, फिर मैं आपको दे दूँगी जो भी चाहिए होगी। तो अभी देखता हूँ यार वीचैट पे अगर समझ आता है कुछ। क्या ही हाल हो गया यार इस मार्केट का ना, ये देखो सारी शॉप्स बंद हैं, किसी एक आदमी ने खोल रखी होगी, वो भी डरे बैठे हैं कि कोई आएगा नीचे से, इनका एक बंदा नीचे बिठा के रखते हैं, तो वो आके ने बताया था कि बंद कर दो। इतने भी आधे शूज लगा रखे हैं जिन ब्रांड की मतलब ज़्यादा टाइटनेस होगी उनके हटा रखे हैं, लोग कहते ही आ गया हूँ बंद कर दो। अब सब ने शॉप्स बंद करनी शुरू कर दी हैं, और फिर नीचे से कोई आ जाएगा थोड़ी देर बाद बताने की खोल दो तो खोल देंगे, बट कोई भरोसा नहीं है, 2 घंटे 3 घंटे कोई टाइम नहीं है कब खोलेंगे कुछ नहीं पता। तो ऐसा ही आजकल हालात में आके ना शॉपिंग का जो मेन मज़ा आता था ना यहाँ पे शॉपिंग करने में, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। कि जैसे पहले हर जगह कॉफ़ी लगी होती थी, अब वो दिखता ही नहीं आ रहा, मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा शॉपिंग करने में। तो बस अब करनी तो है ही मजबूरी में, कैसे ना कैसे करेंगे ही। तो अभी ना मैं पुरानी जो मतलब 2-3 महीने पुरानी वीडियोस हैं उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अभी इस पे शेयर करूंगा, तो देखना पहले कैसे की मार्केट और अब कैसे हो गई। ये तो नेक्स्ट लेवल मार्केट है, मतलब यहाँ पे आके आप शॉपिंग सुपर क्रेजी। ये गुच्ची की जैकेट, और कोई ना कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है,
मतलब आप कंपेयर करोगे शोरूम की प्राइस, यहाँ पर मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है। जो चीज़ 1 लाख रुपए की है ना, वो आपको मुश्किल से 10,000 में मिल जाएगी। ये देखो कलेक्शन, देखो इसका शूज का। और अब के हालात देखो मार्केट के, क्या हाल हो गया उस मार्केट का। पुरानी वीडियोस में देखो कितना फर्क है, खत्म ही हो गई यार मार्केट। मतलब क्या अल्टीमेट चीज़ें हुआ करती थी यहाँ पे। मतलब आप पूरा दिन भी घूमते रहो ना तो कम होता था। एक से एक ब्रांड, एक से देखो सारी शॉप खाली पड़ी हैं। जिन लोगों को पता है कहाँ पे क्या मिलता था, वो लोग तो जाके उनसे ले ले रहे हैं, बट जो नए कस्टमर हैं वो उनके लिए तो बहुत दिक्कत है। तो इसने अंदर बुलाया और शटर डाउन कर दिया क्योंकि इसे डर लग रहा है। तो अभी ना अंदर ये इसने हिडन रैक्स बनवा रखे हैं, तो वो खोलेगी फिर दिखाएगी एक से एक परफ्यूम्स। सारे ब्रांड के परफ्यूम हैं और कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो ना हो इनके पास। हाउ मच दिस टॉम फोर्ड? 120 एंड लास्ट प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। यू लाइक बेस्ट क्वालिटी विद वेरी यस। मियो मियो मियो। हेलो, वेयर इज 2F26? 2F26 समझ ही नहीं आ रहा है भाई। 2F100, एक तो यार इनका समझ नहीं आता कहाँ से 100 शुरू हो जाएगा, कहीं से 18 के बाद पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे, 60 पे, 60 के बाद पहुँच जाएंगे किसी पे भी। 2F92 ये खड़ा सामने उसका ओनर जिसको मुझे जाना था। हेलो माफान, हेलो कम 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 कम। ये देखो इसकी बेचारे की शॉप, क्या हाल हो गया। अदू यार इनको मैंने ऑर्डर किया है बैग के लिए, इसने फोटो दिखाई थी वीसी में, तो बैग ऑर्डर करे हैं, शूज़ ऑर्डर करा है अपने लिए। तो बोल रहा है कि अभी 5-10 मिनट रुको तो लेके आता हूँ मैं। ले आ भाई, क्योंकि मुझे बैग की यार बहुत ज़रूरत है। तो ले आई है अपना ये बैग, अब देखते हैं कैसे बैग हैं क्या है। एक तो ये वाला बैग मंगवाया मैंने इससे टॉमी का, अच्छा लग रहा है यार बैग। ये पूछता हूँ कितने का बताती है, बैग तो अच्छा लग रहा है। एक सीके का मंगवाया वो भी देखता हूँ अभी। ये सीके का है, डिटेलिंग अच्छी है, काम भी बढ़िया हो रखा है। अब देखता हूँ कितने कितने पर रेट बताती है इनके, तो इन दोनों में से एक ले लूँगा। अच्छे तो ये दोनों ही लग रहे हैं, ये टॉमी है ये सीके है। सीके भी अच्छा लग रहा है, टॉमी भी अच्छा लग रहा है, सीके थोड़ा बड़ा लग रहा है। बैग तो ले लिया है मैंने, और सीके वाला दिखाता हूँ मैं अभी एक मिनट को। ये वाला बैग लिया है सीके का, और ये मुझे पड़ा है 1700 रुपये का। आ रहे हैं शूज़ की वेट कर रहा हूँ, उसके बाद अपना चलेंगे। शूज़ आ रहे हैं जल्दी। ले आया भाई शूज़, ये मंगाए थे मैंने इसे न्यू बैलेंस के, बट भाई दिक्कत तो ये है, ये इधर से वाइट है, मैंने इसे पूरा ब्लैक बोला था और ये लेके आ गया। और अभी शॉप भी बंद कर रहे हैं, तो अभी से बोलता हूँ दोबारा लेके आएगा, कल आऊँगा तो कल ले लूँगा इससे। हेलो टुमारो, ओके। सिर्फ एक बैग ही मिला, बाकी कोई काम नहीं हुआ आज, बेकार ही हो गया ना, कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ कल फिर आएंगे दोबारा, और क्या करेंगे। मैं सोचता था यार कल हांगकांग निकल जाता, बट मुझे लग नहीं रहा जिस हिसाब से काम पेंडिंग है कि कल जाना होगा। कोशिश तो पूरी है कल की, अगर कल जाना हो जाए, बट लग नहीं रहा यार। देखते हैं कल सुबह जल्दी उठने की कोशिश करेंगे, अगर सुबह जल्दी उठ गया तो काम निपटा लूँगा मैं, बाकी कल की कल देखेंगे क्या बनता है। बैठ गए अपनी डुगडुगी पे, और
और अब यहाँ से जा रहा हूँ कि ये है इलेक्ट्रिक बाइक इनकी, इस पर इन्होंने अपना ये मोटर बाइक जैसे हमारे यहाँ चलती है ना ओला राइड, ऐसे इनके इलेक्ट्रिक राइड ये। फायदा है भाई इस पे आने का ना, ये देखो कहीं से भी निकाल रहे हैं ये, जितना ये पूरा ट्रैफिक था ये सब इन्होंने ख़त्म कर दिया। मतलब जो 15-20 मिनट का रास्ता था वो 5 मिनट में लेके आ गया मुझे। नो मा पान 5 शीशी शीशी। तो मैंने जो जो ऑर्डर दे के आया था मैं चांसलू में, वो सामान मेरा होटल में डिलीवर कर दिया उसने, क्योंकि वहाँ पे तो आजकल सामान वो ना रख रहे हैं ना दे रहे हैं। तो एक मंगाई थी मैंने वॉच, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मंगाए थे मैंने शूज़। तो ये वाली मंगाई थी मैंने वॉच, बहुत ही सुंदर वॉच है लॉन्जिनियस, बॉक्स देखो उसका कितना प्यारा है, बैग देखो बकायदा, कार्ड वारंटी कार्ड बिल वगैरह सब उसने साथ में दिया है। ये देखो कार्ड कूड वगैरह सब कुछ इसके अंदर है। तो ये इसका बिल है वॉच का 12,800 RMB, मतलब ये हो गए 1,30,000 के आसपास, जो कि मुझे पड़ी है 3,000 रुपये की। और एक ये मंगाए थे मैंने अपने शूज़ न्यू बैलेंस के, ये मुझे पड़े हैं 1,800 रुपये के। तो ये भी मुझे वो होटल में ही डिलीवर करके चला गया था, मैं वहाँ पे ऑर्डर दे के आ गया था मार्केट में, क्योंकि आजकल बेचारे बहुत ही परेशान हैं यार, वहाँ पे तो कुछ देखने के लिए भी नहीं मिलता, तो बस फोटो में पसंद मैंने कर लिया था, उन्होंने मुझे अपना बी चैट दे दिया था। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और इन्जॉय करो।